मैं सपना सिंह वीर जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज बनाने जा रहे हैं हम लोग कढ़ी। तो देखिए दोस्तों, इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमने 1 लीटर छाछ, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 बड़े चम्मच ऑयल, 1 बाउल बेसन, 2 बड़े टमाटर बारीक कटे हुए, ये कुछ खड़े मसाले हैं, थोड़े से कड़ी पत्ते, 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए, 4 से 5 लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्च, 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 4 से 5 लहसुन की कली बारीक कटी हुई, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 चम्मच नमक, 2 से 3 चम्मच हल्दी पाउडर। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम छाछ में बेसन मिलाएंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि हमारे बेसन में गांठें ना रहे। गांठें रहेंगे तो बनना हमारा बेसन जो है अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए दोस्तों, हमारा बेसन जो है अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा ऑयल जो है पक चुका है। हमने ऑयल को 2 मिनट पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब तो इसमें डालेंगे जीरा और इसको हल्का ब्राउन होने देंगे जीरे को। जीरा हमारा पक चुका है। अब इसमें डालेंगे लहसुन बारीक कटा हुआ, लहसुन को हल्का ब्राउन करेंगे। अब डाल देंगे मेथी। तेजपत्ती डाल देंगे। हल्दी को हम घोल के डाल रहे हैं जिससे कि हमारी जो हल्दी जो है अच्छे से पक जाए। अब उसमें डाल देंगे अब हल्दी को 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम गैस पे जिससे कि हमारी हल्दी जो है अच्छे से पक जाए और हमारा बेसन जो कच्चा बनना है हल्दी का। देखिए दोस्तों, हमारी हल्दी जो है पक चुकी है। अब इसमें डालेंगे छाछ में बेसन मिक्स किया था वो डालेंगे। अब इसको चलाना है वरना हमारा बेसन जो है फटने लगेगा। देखिए दोस्तों, अब इसमें हम 1 गिलास पानी डाल लेंगे क्योंकि हमारा बेसन जो है गाढ़ा है, इसीलिए अब इसको चलाते रहना है। इसको हम जब तक चलाते रहेंगे जब तक कि हमारे बेसन में उबाल ना आने लग जाए। देखिए दोस्तों, हमारी कढ़ी में उबाल आ चुका है। अब इसको हम आधा घंटे के लिए ढक के पकाएंगे। देखिए दोस्तों, आधा घंटा हो गया है, हमारी कढ़ी पक चुकी है। अब हम तड़का लगाएंगे।
देखिए दोस्तों, हमारा ऑयल जो है गरम हो चुका है तड़का लगाने के लिए। हमने ऑयल को 2 मिनट पहले ही गरम करने लग दिया था। तो अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरे को हल्का ब्राउन करेंगे और इसमें कड़े मसाले डाल देंगे सारे, मिक्स कर देंगे। अब इसमें प्याज डाल देंगे, प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे। अब हमारी प्याज हल्की ब्राउन हो गई है। अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर को 1 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए दोस्तों, 1 मिनट हो गए हैं, हमारे टमाटर जो है पक चुके हैं। और इसमें डालेंगे हरी मिर्च, हरी मिर्च हमने बारीक कटी हुई और लंबी लंबी कटी हुई दोनों डाल दिए एक साथ। हम हरी मिर्च को जो है थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अब हमारी हरी मिर्च जो है पक चुकी है। अब इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। धनिया पाउडर और मिर्च को हमने थोड़ी देर के लिए पका लिया है। अब उसमें डालेंगे कड़ी पत्ते, अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों, कड़ी पत्तों को हमने थोड़ी देर के लिए पका लिया है। अब उसमें डालेंगे धनिया हरा, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब धनिया को 1 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा धनिया पक चुका है। अब इसमें डाल देंगे नमक, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको हम थोड़ी देर और पका लेंगे। देखिए दोस्तों, जो हमने तड़का तैयार किया है अब उसको हम कढ़ी में डाल देंगे। अब उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पकौड़े डाल देंगे। पकौड़ों को हमने पहले से बना के रखा था। अब हम कढ़ी को 5 से 10 मिनट के लिए और पकाएंगे मीडियम गैस पे। अब इसको ढक देंगे, ढक के पकाना है हमको।
देखिए दोस्तों, हमारी कड़ी बनके तैयार है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू दोस्तों।